जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लिहाजा आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड तैयार करना। इस वक्त हमारे पास दो साकटे हैं, तीन बटन हैं, एक होल्डर है और एक पियानो लाइट है, एक GFCI का डिमर है और एक बोर्ड है। आइए इसे आप खोल कर इसकी फिटिंग करते हैं। सबसे पहले आपने इन पेचों को खोलना है। बोर्ड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, चाहे चैनल फिटिंग हो या सादे बोर्ड की। पेच खोलने के बाद यह शीट लैदा हो जाएगी और इसके ऊपर आपने बटन और साकटें लगा कर इनके नीचे पेच लगा देने हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट है डीमर। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ढक्कन को खोलना है, उसके बाद पीछे छोटे दो पेज लगे होते हैं उसको खोलना है। उसके बाद एक छोटा सा कवर उसको उतार लेना है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे। आइए आप साहब एग्जाम की फिटिंग करते हैं। तीन बटन कंप्लीट हो चुके हैं, इनके पीछे पेच लगा दें। होल्डर को हमेशा लेफ्ट साइड पर रखना चाहिए। इसके नीचे ये बटन है, इसका बटन जो इस्तेमाल होना है। दो साकटें और एक पियानो लाइट हमने लगा दी है। इसके बाद डीमर की फिटिंग करते हैं। सब पेचों को अच्छी तरह टाइट कर दें। डिमर के ढक्कन को दोबारा फिर से लगा दें। बोर्ड हमारा तैयार हो चुका है, लिहाजा इसके कनेक्शन बाकी हैं जो कनेक्शन करते हैं। हमारे पास तार है इंग्लिश 3 सिंगल। डिमर के पेज को खोलते हैं। हमारे पास तीन बटन हैं, दो साकटें हैं और एक डिमर है और एक होल्डर है। सबसे पहले आपने जितने भी बटन हैं उनको कॉमन कर देना है। बटन की एक साइड को मुकम्मल तौर पर कॉमन कर दें, एक एक साइड को। हमने नीचे तीन बटन कॉमन किया, उसके बाद ऊपर एक बटन है उसको भी कॉमन किया है। जैसे ही आप देख रहे हैं डायग्राम में, अब एक साकट एक बटन पर कंट्रोल होगी। जैसे ये एक साकट लगा दें, एक साकट छोड़ दूसरे बटन पर लगा दें।
ये इसका, ये दो साकटें हैं, इनको कॉमन कर दें। इसमें न्यूट्रल देनी है, ये हमारे न्यूट्रल नहीं, एंड वाला बटन हमने डीमर इस्तेमाल करना है। होल्डर के नीचे वाला बटन हमने इस्तेमाल करना है। ये आप देख रहे हैं कनेक्शन चेक कर सकते हैं। आइए आप इसको चेक करते हैं कि आया ठीक है या नहीं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखो हमारी राइट लाइट ऑन हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।